डेजर्ट वो लार्ज एरिया है इट्स अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड बहुत बड़ा एरिया होता है लैंड का जहाँ पे बहुत कम पानी होता है और वहाँ बहुत कम प्लांट्स पाए जाते हैं और बहुत वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है है ना तो उस एरिया को उस सैंडी एरिया को उस हॉट एरिया को हम क्या कहते हैं डेजर्ट कहते हैं कैन यू नेम एन एनिमल दैट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट क्या आप बता सकते हैं कौन सा एनिमल शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाता है Yes, that is camel. Camel is called as ship of the desert. Can you name a plant that grows in the desert and gives us fruit to eat? Yeah. आप उस प्लांट का नाम बता सकते हैं? कोई एक प्लांट का नाम बताइए जो कि डेजर्ट में ग्रो करता है और हमें फ्रूट देता है खाने के लिए? Obviously date. Date palm is a kind of plant which grows in the desert area, deserty area and gives us fruit to eat. Now get set to start the chapter. The cactus is a desert plant. It is a plant that has no leaves. It has only a fleshy stem. The stem is covered with prickly spines. Cactus कैसा plant है It is a desert plant. कहाँ उगता है ये Desert में उगता है It is a plant that has no leaves. ये एक ऐसा पौधा है जिसमें कि कोई भी leaves नहीं होती इनमें पत्तियां नहीं होती फ्लैशी स्टेम इसमें केवल फ्लैशी स्टेम होती है, मतलब? है. किससे ढकी हुई होती है प्रिकली स्पाइंस से प्रिकली स्पाइंस मीन क्या होता है प्रिकली स्पाइंस मीन स्मॉल शार्प निडल कुछ पौधों में छोटे छोटे शार्प शार्प नुकीले नुकीले निडल की तरह सुई की तरह थॉर्न्स यानी कांटे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम प्रिकली स्पाइंस कहते हैं तो इसकी पूरी स्टेम किससे अप होती है प्रिकली स्पाइन से अप होती है लुक एट द पिक्चर गिवन, स्पाइंस दिखाई दे रहे हैं नक्टी ग्रो इन डेजर्ट एंड अदर ड्राई प्लेसेस कैक्टी कहाँ उगता है कैक्टी प्लांट उगता है डेजर्ट्स में और दूसरे ड्राई प्लेसेस में जहां पे बहुत मॉइस्चर नहीं होता पानी नहीं होता उन प्लेसेस में कैक्टिस ग्रो करते हैं कैक्टी क्या है इट्स अ प्लूरल प्लूरल ऑफ कैक्टिस द रेनी रूट्स टेक अप मॉइस्चर एंड स्टोर इट इन देयर स्टेम्स जब रेनी सीजन आता है जब बारिश का सीजन आता है तो ये इनकी लॉन्ग लॉन्ग रूट्स जो होती हैं, इनमें बहुत लॉन्ग रूट्स होती हैं इनका एक फीचर होता है कैक्टस का इनकी रूट्स बहुत वेल well डेवलप्ड होती हैं ग्राउंड के अंदर इनके रूट्स बहुत ज़्यादा डीप में होती हैं वेल डेवलप्ड रूट्स दे आर कंटेनिंग तो इनकी लॉन्ग लॉन्ग रूट्स क्या करती हैं लंबी लंबी जड़े क्या करती हैं मॉइस्चर को पिकअप कर लेती हैं कहाँ से अंडरग्राउंड से नीचे से ग्राउंड के अंदर से जहाँ पर पानी स्टोर होता है अब वो जाके मॉइस्चर उनका कहाँ स्टोर हो जाता है वो नमी जाके कहाँ पर स्टोर हो जाती है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को हम मॉइसचर कहते हैं तो वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जाके उनके स्टेम्स में स्टोर हो जाती है उनके स्टेम्स में स्टोर हो जाती है दीज स्टेम्स हैव थिक हार्ड वॉल्स और इनकी स्टेम में बहुत थिक मतलब मोटी हार्ड यानी थोड़ी स्ट्रोंग और वॉल्स होती हैं इनकी स्टेम्स में से जो इनकी थिक हार्ड वॉल्स होती हैं वो वाटर को लॉस नहीं होने देती वाटर को बाहर ट्रांसपेरेंट नहीं होने देती पानी बाहर निकलते ही नहीं है दे दे आर स्पंगी इन ये थी जो स्टेम्स होती हैं ये फ्लैशी होती हैं और स्पंगी होती हैं आप उनको दबाएंगे तो हल्का सा वो दबेंगी भी स्पंगी होती हैं ऑन द आउटसाइड दे हैव अ वैक्सी कोटिंग और बाहर से इनमें एक वैक्सी कोटिंग होती है वैक्सी मतलब क्या होता है ऐसा लगता है इनको टच करने से कि इनके ऊपर वैक्स लगा हुआ है बहुत स्मूथ स्मूथ वैक्स लगा हुआ है तो इनकी जो कोटिंग होती है वो कैसी होती है वैक्सी होती है इट मेक्स दीज प्लांट्स वाटर प्रूफ जिसकी वजह से ये प्लांट्स कैसे होते हैं वाटर प्रूफ होते हैं ये डिके नहीं होते सड़ते नहीं है इसीलिए जल्दी से ये तो हमने क्या फीचर स्टडी किया कैक्टस का इस पैराग्राफ में कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत वेल well डेवलप्ड होती हैं बहुत डीप होती हैं और इनका जो स्टेम होता है स्टेम्स इनकी बहुत थिक होती हैं मोटी होती हैं फ्लैशी होती हैं स्पंगी होती हैं और इनकी स्टेम्स में आउटर कवरिंग में क्या होता है वैक्सी कोटिंग होता है और ये प्लांट्स कैसे होते हैं वाटर होते हैं नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ द कैक्टस प्लांट्स डोंट हैव एनी लीव्स कैक्टस प्लांट के पास लीवस नहीं होती इनमें पत्तियाँ नहीं होती जो आप स्टेम दे जो हम ग्रीन कलर की स्टेम्स देखते हैं वो स्टेम्स होती हैं वो लीव नहीं होती एक्चुअली दे आर स्टेम्स इंस्टेड ऑफ लीव्स दे हैव स्पाइंस लीव की जगह इनके पास क्या होते हैं स्पाइंस होते हैं स्पाइंस यानी कांटे होते हैं ईच प्लांट कैन हैव एज मैनी एज फिफ्टी थाउजेंड स्पाइंस लगभग एक प्लांट में कितने स्पाइंस होते हैं कितने कांटे होते हैं लगभग फिफ्टी थाउजेंड कांटे होते हैं दीज स्पाइंस सेव द प्लांट फ्रॉम डेजर्ट एनिमल्स इसीलिए इन स्पाइंस की वजह से ये एनिमल्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं इन प्लांट्स को नहीं खाते ये अडेप्टिव फीचर होता है इनका देखिए पिक्चर में देखिए ये जो आपको ग्रीन कलर का फ्लैशी पोर्शन दिख रहा है दिस इज अ स्टेम ये स्टेम है पौधे का रूट इसके अंडरग्राउंड है और ये जो कांटे दिख रहे हैं स्पाइंस विच यू आर हियर इन पिक्चर ये लीव्स हैं तो इसका एक फीचर ये होता है कि लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस एंड देयर स्टेम्स आर एक्चुअली फंक्शनिंग एज लीव्स और इनके जो स्टेम्स हैं वो किस, कैसे फंक्शन कर रही हैं दे आर फंक्शनिंग एज लीव ऑफ अ प्लांट दे आर एक्चुअली मैनुफेक्चरिंग फूड फॉर द होल प्लांट एंड ये जो लीव्स रिड्यूस होकर स्पाइन बन चुकी हैं स्पाइन की आ, होने की वजह से इसमें ट्रांसप्रेशन का रेट बहुत स्लो हो जाता है मतलब वाटर लॉस नहीं होता पौधे से पानी ऑलरेडी वहाँ कम होता है तो ये पौधे अपने लाइफ को मैनेज कर लेते हैं उस एडेप्टि उस पर्टिकुलर अडेप उस एन्वायरमेंट में अपने आप को प्रॉपरली वो अडेप्ट कर लेते हैं द कैक्टस इज अ क्यूरियस लुकिंग प्लांट कैक्टस एक क्यूरियस लुकिंग प्लांट होता है बड़ा प्यारा प्लांट होता है उसमें के अंदर उसको आप देखो तो बड़ी क्यूरोसिटी होती है कि प्लांट कैसा है इसमें स्पाइंस हैं इसकी स्टेम्स जो हैं वो स्पाइंस टाइप के इसमें स्पाइंस हैं इसके जो लीव्स हैं बड़ी फ्लैशी हैं हमें ऐसा दिखाई देता है इट इज़ अनलाइक एट एनी अदर प्लांट ये दूसरों के दूसरे प्लांट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है इट इज़ अनलाइक एनी अदर प्लांट ये दूसरे प्लांट की तरह बिल्कुल भी नहीं है सम प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर वेरी टिनी इस फैमिली के कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं टिनी होते हैं सम ग्रो मीटर्स हाई, जबकि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं आप पिक्चर में देखिए यू कैन सी हियर इन पिक्चर दिस पर्टिकुलर प्लांट इज राउंड इन शेप दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप दिस इज अगेन राउंड इन शेप This plant is having totally different shape from all these plants. They can be like trees, pipes, barrels, candles, hats, torches, caterpillars or pieces of machinery. Itne tarah shapes hote in plants ke. Now let us study about different kinds of cactus plants. A Acholia cactus has the most prickly spines. चोलिया कैक्टस में चोलिया कैक्टस को स्पैनिश में हम छोया और कॉमनली हम क्या करते हैं चोलिया तो ये चोलिया कैक्टस कैसा कैक्टस होता है इसके जो स्पाइंस होते हैं कांटे होते हैं सबसे ज्यादा प्रिकली होते हैं शार्प होते हैं बहुत नुकीले होते हैं दीज स्पाइन्स कम फ्राम सो इजलीट दे सीम टू जम्प एट पासर्स बाई ये इतने आसानी से चिपक जाते हैं राहगीरों के ऊपर कि पता भी नहीं चलता ये काफ़ी सारे ऐसे छोया होते हैं छोया कैक्टस होते हैं जिनको कि हम जंपिंग छोया भी कहते हैं तो जंपिंग छोया की जो स्टेम्स होती हैं वो क्लोथ्स में या तो स्किन में आसानी से जंप करके अटैच हो जाती हैं इसीलिए इनको जम्पिंग छोया के नाम से जाना जाता है जो भी पासर बाई जो भी वहां से निकलता है राहगीर निकलता है उनके पेड़ के अगल बगल अगर लगे हुए हैं ये कैक्टस अगर कहीं पर भी हैं तो किसी भी पासर बाई के क्लोथ्स में या तो स्किन में ईजिली अटैच हो जाते हैं जंप करके फ्लाई करके और इनका साइज वेरी करता है ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में पाए जाते हैं कुछ थ्री मीटर्स के होते हैं कुछ तो और टेन फीट तक के भी होते हैं मतलब साइज सबका वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज होती है इनकी और सबका साइज वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट साइज में ही पाए जाते हैं मोस्ट छोया कैक्टस हैव ऑरेंज और ग्रीनिश येलो फ्लावर काफी सारे छोया कैक्टस में तो ऑरेंज फ्लावर भी निकलते हैं ग्रीनिश येलो फ्लावर भी निकलते हैं पैक रैट्स पाइल अप छोया स्टेम्स एट द एंट्रेंस ऑफ बरो इट इज अ काइंड ऑफ रैट पैक रेट कैसे रैट होते हैं जिनकी टेल बहुत बुशी होती है उनकी टेल बहुत मोटी होती है होती है तो ये राइट्स क्या करते हैं चोया स्टिम्स के मतलब चोया कैक्टस प्लांट के स्टेम्स को लाके अपने बरों के एंट्रेंस में रख देते हैं जिससे कि इन्वेडर्स हंटर्स इनके होम तक ना आ पाए और उनका घर सेफ रहे प्रोटेक्टेड रहे वट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्ट हियर द स्टेम प्रोटेक्ट देयर होम्स फ्रॉम इन्वेडर्स ऐसा वो क्यों करते हैं जो रैट्स होते हैं पैक रैट्स होते हैं वाई दिस पैक रैट्स कलेक्ट कैक्टस स्टेम एंड पुट स्टेम इन द एंट्रेंस ऑफ बरो क्यों ऐसा करते हैं वो कि वो स्टेम कलेक्ट करके लेके आते हैं छोए कैक्टस की और फिर जाके वो अपने बरो के एंट्रेंस में रख देते हैं ऐसा वो इसलिए करते हैं जिससे कि वो अपने घर को अपने होम्स को प्रोटेक्ट कर सकें किससे इन्वेडर्स से अब इन्वेडर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स इन्वेडर्स मीन्स हंटर्स कह सकते हैं आप नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कैक्टस प्लांट इज सेगुआरोगुआर कैक्टिस इज लाइक अ ट्री ये इतना लंबा होता है जैसे ट्रीज बड़े बड़े होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है सेम एज ट्रीज दी सेगुआर कैक्टिस और ऐसे ही होते हैं ट्री के शेप के होते हैं ट्री जैसे बड़े बड़े होते हैं ये इट हैज ब्रांचेज दैट ग्रो अपवर्ड इनमें ब्रांचेज भी होती हैं जो कि अप डायरेक्शन में बढ़ती हैं अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ग्रो करती हैं द स्टेम इज प्लेटेड लाइक एन अकॉर्डियन इनकी स्टेम्स कैसी होती है प्लेटेड होती है मतलब उनकी स्टेम्स में फोल्ड पाए जाते हैं जैसे कि कभी आपने क्लोथ को सिलते हुए देखा है जब भी कभी टेलर कोई कपड़े बनाता है तो कपड़ों में चुन्नट डालता है प्लेट्स डालता है जैसे फ्रॉक बना रहा है तो उसमें प्लेट्स को करेगा इन द सेम वे इन प्लांट्स में भी इन सेगवारों को में भी इनकी स्टेम्प में प्लेट्स पाए जाते हैं लाइक एन अकॉर्डियन अकॉर्डियन क्या होता है किसकी तरह के प्लेट पाए जाते हैं इसे अकॉर्डियन में प्लेट्स होती हैं अकॉर्डियन इज अ काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फोल्ड्स होते हैं उनमें भी प्लेट्स होते हैं उनमें भी फ्लोर फोल्ड्स होते हैं उन फोल्ड्स को जब हम प्रेस करते हैं उनको जब दबाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है तो दीज काइंड ऑफ फैगुआर कैक्टस कंटेंस स्टेम्स विच ग्रो अपवर्ड इन डायरेक्शन एंड दे कंटेंस प्लेट्स लाइक एन अकॉर्डियन इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि कैक्टस में स्टेम्स स्टोर करती फ्लैशी होती है इनके स्टेम्स और वो काफ़ी सारा मॉइस्चर और वाटर स्टोर रखती हैं अपने अंदर तो इनकी भी स्टेम्स होती हैं बड़ी बड़ी स्टेम्स होती हैं खुद प्लांट ही इतना बड़ा ट्री जैसा होता है तो उसकी स्टेम्स ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज होती हैं और इतनी बड़ी होती हैं स्टेम इनकी कि इसमें काफ़ी सारा हीज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर होता है इट प्रोड्यूस वाइट फ्लावर्स फॉलोड बाय रेड फ्रूट्स। इन कैक्टस में व्हाइट कलर का फ्लावर प्रोड्यूस होता है और रेड रेड फ्रूट्स निकलते हैं नेक्स्ट वन बैरल कैक्टस इज फैट एंड राउंड इन शेप कैसा होता है इसका शेप राउंड होता है और फैट मीन्स ये मोटा मोटा दिखाई देता है इसका जो शेप होता है इट लुक्स लाइक अ फैटी बॉल फैट होता है ये मोटा होता है और राउंड इन शेप होता है एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर इट इज कवर्ड ऑल ओवर विथ स्पाइंस इसकी पूरी बॉडी में स्पाइंस होते हैं थाउजेंड्स ऑफ रूट्स स्प्रेड आउट अंडर द ग्राउंड इनकी रूट्स बहुत वेल well डेवलप्ड होती हैं थाउजेंड्स ऑफ रूट्स इनकी अंडरग्राउंड पे स्टोर रहती हैं द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड टेक इट टू द बैरल अब अब रूट्स क्या का रूट का काम क्या होता है रूट अब्जॉर्ब करता है अंडरग्राउंड से नीचे से वो पानी अब्जॉर्ब करता है और बैरल तक लेके जाता है मतलब इसकी पूरी अपर बॉडी तक लेके जाता है लाइक द सग्वारो इट्स साइड टू स्टोर वाटर जैसे सैग्वारो कैक्टर्स में उसकी साइड स्ट्रेच होती थी उसमें काफी सारा वाटर स्टोर हुआ करता था सेम ऐसे ही हमने इसे पढ़ा है ना कि सैग्वारो में बहुत सारा पानी स्टोर होता है उसके ब्रांचेस में इन द सेम वे बैरल कैक्टस ऑल्सो स्टोर मैक्म अमाउंट ऑफ वॉटर इन देअ बॉडी इनकी भी साइड स्ट्रेच होती है इनके भी स्टेम्स स्ट्रेच होती हैं और ये काफी सारा वाटर स्टोर करते हैं अपने अंदर द साइड श्रिंक एज द वॉटर इज यूज और इनकी साइड्स जो बढ़ी हुई होती हैं वो धीमे से श्रिंक हो जाती है सिकुड़ जाता है जब इनका पूरा वाटर वो प्लांट कैक्टस प्लांट यूज कर लेता है तो ये पूरे साइड्स इनके जो स्वेलिंग साइड्स होते हैं फुले हुए साइड होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं सिकुड़ जाते हैं देयर आर ओवर टू थाउजेंड टाइप्स ऑफ कैक्टस लगभग दो हजार से ज्यादा टाइप्स होते हैं कैक्टस की स्पीशीज बहुत ज्यादा होती हैं इसकी ईच टाइप हैज अ स्पेशल वे टू स्टोर वाटर और हर एक टाइप का अपना अलग तरीका होता है वाटर को स्टोर करने का मतलब जितने भी कैक्टस होते हैं जितने भी स्पीशीज होते हैं कैक्टस के सारे स्पीशीज वाटर पहले स्टोर करते हैं उनकी रूट्स बहुत वेल डेवलप्ड होती हैं जिससे कि वो अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सकें और अपने प्लांट को सप्लाई कर सकें इनकी स्टेम फ्लैशी होती हैं इनकी लीव्स रिड्यूस होके स्पाइंस बन जाती हैं जिससे ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना हो सके और पौधे में पानी बराबर बना रहे तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हर एक कैक्टस में होते हैं लेकिन कैक्टस की स्पीसीज कितनी होती हैं मोर देन टू थाउजेंड है ना काफी सारी स्पीशीज होती हैं इसकी और हर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट डिफरेंट कुछ स्पेशल फीचर होता है द कैक्टस फ्लावर आर लार्ज एंड ब्रिलियंट इन कलर कैक्टस के फ्लावर थोड़े बड़े होते हैं और इनके कलर्स वाले वाइब्रेंट कलर्स होते हैं ब्रिलियंट कलर्स दे आर हैविंग उनके कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट uh, होते हैं दे ग्रो सिंगली जो फ्लावर इनमें उगता है वो सिंगली उगता है अ कैक्टस ब्लूम्स ओनली वंस एवरी फाइव ईयर ये जान के आपको बड़ा अमेजिंग लगेगा कि कैक्टस का फ्लावर हर पांच साल में एक बार रोकता है मतलब फाइव इयर्स के टेन में उसका फ्लावर एक बार ब्लूम होता है एक बार खिलता है एक प्लांट पे द कैक्टस प्लांट वेन दे ब्लूम फिल द डेजर्ट विद द फीस्ट ऑफ कलर्स येलो रेड रोज एंड व्हाइट जब कभी ये कैक्टस के फ्लावर ब्लूम होते हैं खिलते हैं तो पूरा डेजर्ट का जो लैंड होता है पहले तो बैरन पड़ा होता है पूरा ऐसा बैरन मतलब जहां पे कोई फसल नहीं है दैट लैंड इज कॉल्ड एज बैरन बंजर भूमि है ना तो बैरन लैंड जो डेजर्ट की होती है वो लगता है से वहाँ पे कोई फेस्टिवल आ गया हो क्योंकि पूरा कलरफुल हो जाता है वो लैंड येलो फ्लावर से रेड फ्लावर से रोज से और वाइट मतलब ये सारे कलर्स वहां पर अपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं जब कभी कैक्टस ब्लूम करते हैं इनके फ्लावर खिलते हैं सम कैक्टसेस आर ग्रोन फॉर देयर जूसी फ्रूट्स कुछ कैक्टस को उनके जूसी फ्रूट्स के लिए उगाया जाता है उनमें फल निकलते हैं जिसमें बहुत सारा जूस स्टोर होता है उसके लिए उनको उगाया जाता है दे यूज दे आर यूज इन मेकिंग उनका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है कैक्टी हैजेस सर्व एज गुड बैरियर्स आपने क्वेश्चन ऐसे से पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जो कैक्टस के हेजेस होते हैं झाड़ियां होती हैं ये बैरियर की तरह एक्ट करती हैं बैरियर मतलब क्या होता है इट मीन्स डेट बैरियर मतलब एक तरह का स्टॉपेज जहाँ से कोई जंगली जानवर या फिर कोई भी एनिमल अंदर ना आ सके से लोग यहाँ लोग अपने घरों के अगल बगल बाउंड्री बनवा देते हैं किससे कैक्टस लगा देते हैं वो बैरियर का काम करती हैं और वहाँ से फिर कोई एनिमल्स क्रॉस नहीं कर पाते मैनी पीपल लव टू ग्रो कैक्टी इन देयर होम्स बहुत सारे लोगों को पसंद है लोग अपने घरों में भी कैक्टिस को प्लांट करते हैं लगाते हैं टू हैव दस्ट रिजल्ट अक्टिस शुड बी प्लांटेड एमोंग ब्रोकन ब्रिक्स अच्छा रिजल्ट पाने के लिए कैक्टस को कहा पर उगाना चाहिए ब्रोकन ब्रिक्स मतलब टूटे हुए ईंटों के बीच में उगाना चाहिए लाइम एंड सैंड मतलब वहां पर सैंड पर, पर, पर कैक्टस अपने आप बहुत फाइनली ग्रो करेगा बिकॉज उसको अडेप्टिवीचर दिए चाहिए उनके फीचर्स ऐसे होते हैं कि उनको ये प्लेसेस चाहिए होती हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इट शुड बी वॉटर्ड ओनली वंस इन टू और थ्री वीक्स दो या तीन हफ्तों में अगर आप एक बार पानी डालेंगे तो भी ये कैक्टस सर्वाइव कर जाते हैं दे रिक्वायर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर टू सर्वाइव द्स